इस वक्त हम लोअर मुट्ठी में जो है वो मौजूद है और आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सबसे पहले तमाम तस्वीरों पर आपको जो है वो मैं नजर डालने को कहूंगी, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार कार्रवाइयां जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो ड्राइव जो है वो देखने को मिल रही है। और अब की भी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहाँ पर जम्मू कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो यहाँ पर एक बड़ी ड्राइव देखने को मिली, जिसमें दुकानें तोड़ी जा रही हैं और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फाड़ जो है वो अभी हुई जा रही है। लोग काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं क्योंकि एक बड़ी ड्राइव जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो देखने को मिली। उसी के चलते तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम लोगों में काफी गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। और किस तरह से आप देखें कि ड्राइव जो है, अगर हम बात करें ड्राइव जो है वो चल रही है और यहाँ पर घर पर दुकानें सब जो है वो यहाँ पर तोड़ जा रही है। ये तस्वीरें आपको लोअर मुट्ठी से जो है वो हम बता रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आप तक रखेंगे। ये विजुअल्स आपको जो है वो हम लोअर मुट्ठी से बता रहे हैं। काफी ज्यादा है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो सब रोते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बरसों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और आप देखो एकदम से दुकानें यहाँ पर खाली करवा दी गई है। ये दुकानों की तस्वीरें आपको विजुअल जो है वो हम बता रहे हैं, जहाँ दुकानों से सारा सामान जो है वो बाहर निकलवा दिया गया है। आप जानते हैं लोअर मुट्ठी में बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर तस्वीरें पंडित यहाँ रह रहे थे, दुकानें भी यहाँ पर थी। आप देखिए सामने अगर हम नजर डालें तो दुकानों से पूरा सामान निकलवा दिया गया है, पूरी तरह से तोड़फाड़ जो है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। अगर यहाँ की तस्वीरें भी बताएं तो यहाँ पर भी जो है वो पूरा इनका सामान निकलवा दिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है और भी दुकानें आगे जो है वो तोड़वाई जा रही हैं। एक जेएमसी की ड्राइव जो है वो यहाँ पर चलाई गई, जिसमें लोग भी देखिए यहाँ पर एक अलग ही हंगामा इस वक्त हो चुका है, लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे, लोगों का क्या कुछ है। देखिए यहाँ पर लोग इस वक्त काफी जो है वो एकदम से उन्हें, अगर हम बात करें तो एकदम से उन्हें झटका देखे, क्योंकि यही उनका रोजगार था, यहीं से जो है उनका रोजगार चल रही है। बहुत से लोगों की यहाँ पर पानी के काफी लंबे रास्ते, पर अब आप देखें कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब से हमारे आरसी से, हमारे कमिश्नर साहब से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, अगर वो हमारे गार्डियन है, हमारा ये कर दे, वो कमिश्नर साहब हमारा गार्डियन है, उसको बोलो कम से कम उसकी जमीन, ये जमीन उसकी है, ये माइग्रेट उसके हैं, ये गवर्नर उसके हैं, सरकार चाहे तो कैमरा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, एक बार गुजारिश करते हैं कम से कम हम गरीबों के लिए को जगह बोलो, ये हमारे 10-12 दुकानें हैं ये बच जाएंगी वरना ये खत्म हो जाएंगी। हम कमिश्नर साहब से ये डॉक्टर कारवानी से गुजारिश करते हैं, हम उससे मिले थे, उसने बोला आश्वासन दिया था, मगर आज ये हाल हो गया हमारा सर। अब हम उससे गुजारिश करते हैं कि जो कुछ करेगा वही करेगा, क्योंकि हमारे अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ना मुर्दाबाद, हमारे कश्मीरियों को जहर दे दो, हमें मार दो, बात खत्म, नाम घर के नाम कश्मीर के नाम, हम किसी के नहीं रहे। कौन जाएगी इस वक्त, हमारा दवाई लगता है 10-10 हजार,
हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, कुछ सोचो कुछ करो हमारे लिए, हमारा सब कुछ जी लिया, दो तीन हजार में क्या होता है, ये लोग घर करेंगे या सर क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारी मारपीट थी, हम सुबह शाम आते थे, ये हमारे भाई थे सारे, लेकिन आज जैसे हमारी खामर टूट गई है, रात दिन आते थे हमारे भाई होते थे इधर, गवर्नमेंट से हम क्या करेंगे, आप क्या काम कमाएंगे, कोरोना था दुकान तो हम दिन का उधार अपने गवर्नमेंट हमें मार दे, हमें जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, ये हमारे भाई थे, मेरा कुछ नहीं इधर, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, ये खत्म कर दो, हमें जीना ही नहीं है, सारे कश्मीरी पंडों को खत्म कर दो, कश्मीर का नाम ही नहीं है, हिंदू किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, ये इसलिए हो रहा है, अगर कश्मीरी हिंदू किसी पार्टी का वोट बैंक होता तो नहीं होता, कश्मीरी पंडितों को हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, हम कश्मीरी पंडित, हम हमारी कमेटी बिल्कुल खत्म होने पे है, हम अपने बच्चों को ही थोड़े से रोजगार से पढ़ाते थे लिखाते थे, क्या होता है आज रिलीफ से जाके पूछे गवर्नमेंट से कितने रिलीफ देते हैं हमें, अगर रिलीफ से लगता है हमने अपने बच्चे बनाने, हमें सब भी लानी है, हमें सब कुछ करना है, कहाँ से लाएंगे, कश्मीरी पंडित सड़कों पे है, एक बार फिर से कश्मीरी फिर से कल ये बोलेंगे ये क्वार्टर की जमीन भी किससे मांगती है, आज की कार्रवाई में कसूरवार गवर्नमेंट है, एलजी साहब है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, वो कहाँ पे है आज, वो कहते हैं हमें हिंदू और मुसलमानों का मुख्यमंत्री, वो इस टाइम कहाँ पे है, वो हिंदू रो रहे हैं, कश्मीरी पंडित रो रहे हैं, वो कहाँ पे है, ये सर ये दुकानदार इनका दुकान नहीं है, ये बेचारे अंदर की औरतें हैं जो रात को निकलते थे हमारे दुकान पर, रात को ये औरतें बेचारी निकलती थी, सवेरे निकलती थी, फोन करके यार ये हमारा कुछ सामान दे दो, और ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, यही बेचारे कहाँ जाएंगे, ये रात को आते थे हमारे से उधार भी करते थे, कुछ भी करते थे, अब समझो कहाँ जाए, रात को कहाँ जाए हम, ये है ये दिया खिला उम्र, मैं खाली उम्र उनका ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि जब से वो बने मैं यही वो जितनी बार मैंने वो मुद्रा का नाम लिया, जितनी बार वो बने कम से कम यहाँ आना था, आप भाई कश्मीर पंडित में क्या था, सारा देना था, आपको इतला किया गया पहले, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, हमें जगह भी कोई नहीं दी, कुछ कुछ नहीं, 32 साल से हम यहाँ रह रहे थे, ये पुराना कैंप था हमारा, हर एक कैंप में उन्होंने शॉपिंग का बंदोबस्त किया, खाली मुठी कैंप हमारा जो है ना ये इसको इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या प्रॉब्लम है, जमीन इनकी, गवर्नमेंट इनकी, फ्लैट इनके, हम इनके, अगर 6x8 दुकान में हम रह रहे थे, 6x8 इतनी जगह, इतनी जगह इनसे नहीं मिलता है क्या, अब हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले मेरे ख्याल से सभी उठ गए, चाहे बीजेपी हमारे मोदी साहब, हमारे शाह साहब, हमारे उमरुद्रा साहब, हमारे जितने भी साहब ऊपर है, अब हमें एक ही भरोसा है कमिश्नर साहब से, अगर वो हमारा कुछ कर देंगे तो बस हम उसी के शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि हमारा गार्डियन वही है, हमारा सब कुछ वही है, अब उतनी उतना ही है कि कमिश्नर साहब अगर आप कुछ करें तो बस बाकी कुछ नहीं, अभी जो है वो इनमें काफी ज्यादा गुस्सा जो है बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले भी जो है वो एक बार इन्हें जो है वो यानी कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर के जो है वो रुख कर दिया, और अब इनकी जो दुकानें हैं उसे तोड़ा जा रहा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इन्हें इनका कहना है कि इसमें कोई इत्तला भी नहीं की गई, कुछ भी नहीं, सीधे हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है, हमारा रोजगार यहीं से था, पर अब हम कहाँ जाएंगे, आज को ये हमारी दीवारें अगर हम बात करें हमारी जो दुकानें हैं वो तोड़ रहे हैं, कल को ये हमारे जो घर है वो भी तोड़ देंगे, और हम फिर से जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे,
आप देखिए कि इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा कश्मीरी पंडितों की अगर हम बात करें तो उनमें काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, चाहे वो उमर साहब की बात करें उन पर, चाहे अगर हम एलजी साहब की बात करें, तमाम तौर पर जो है वो सब पर जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो अपना बता रहे हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा हर बार क्यों किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, किस तरह से इनकी दुकानें तोड़ी गई, किस तरह से जो है वो यहाँ पर हालत की गई, लोगों ने काफी बड़ा हंगामा यहाँ पर किया, लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब जो है वो काफी ज्यादा कश्मीरी पंडित जो है वो गुस्से में आ चुके हैं। इस वक्त भैया देखिए इस वक्त जो है वो जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी अंकल हैं, सब जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा दुखी स्थिति में है, क्योंकि इन्हें इनका कहना है कि उन्हें जो है वो इत्तला तक नहीं दी गई कि ऐसा कुछ होगा, कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी जो है वो नहीं कहा गया। पर इस वक्त बड़ा हंगामा देखने को मिला लोअर मोती में, जहाँ दुकानें पूरी खाली करवा दी गई है। देखिए ये पूरी दुकान जो है वो यहाँ पर खाली करवा दी गई है और इनका कहना है कि आखिर हमारे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है, पहले हमें कश्मीर से जो है वो एकदम सड़कों पर ला दिया गया था, अब जो है वो हमें रोडों पर जो है वो उतार दिया गया है। यानी हमारी जो अगर हम बात करें हमारी जो दुकानें हैं उन्हें खाली करवा दिया गया है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये काफी ज्यादा लोग देखे, अगर हम औरतों की बात करें, महिलाओं की बात करें, वो काफी ज्यादा इस वक्त रो रही है क्योंकि उन्हें उनका कहना है कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो तो हो क्यों रहा है, पहले हमें कश्मीर से जो है वो अलविदा कह दिया गया था और अब हम जम्मू में रह रहे हैं, तो जम्मू में हमारा जो रोजगार था, हमारी जो दुकानें थी उनके साथ ऐसा हो रहा है, यानी हमारी दुकानें खाली करवा दी गई हैं। ये देखे जिस वक्त विजुअल्स आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पूरी दुकानें जो है वो खाली करवाई जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको हमने लोअर मोती से बताई, जिसमें लोग काफी ज्यादा निराश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग काफी ज्यादा दुखी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ना ही हमें इत्तला दी गई, ना ही हमें जगह दी गई, तो हम आखिर कमाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से, हमारा रोजगार कहाँ से आएगा। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी वीडियोज के लिए बने रहे द न्यूज नाउ।